तांत्रिकों, कसदियों और भविष्य बताने वालों का प्रधान बना दिया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, स्वप्नों का फल बताने, पहेलियां खोलने, संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वो इसका अर्थ बताएगा। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया और राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल नहीं जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंदियों में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए हैं कि वो लिखा हुआ पढ़ सकें और उसका अर्थ मुझे बताएं, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब तू लिखे हुए इसलिए यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ मुझे समझा सके तो मैं तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र, तेरे गले में सोने की कंठ महला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास रख, जो बदला तू मुझे देना चाहता है वो किसी और को दे दे, परंतु मैं लिखी हुई बात राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बढ़ाई के कारण जो उसको परमेश्वर ने दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। वह जिसे चाहता घात करता था, जिसे चाहता जीवित रखता था, जिसे वो चाहता उसे ऊंचा पद देता था और जिसे चाहता था गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई और वो अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया, उसका मन पशुओं का और उसका निवास जंगली गधों के बीच में, यानी जंगल में हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, यानी वो पागल हो गया था। उसे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ने लगे। उसके बाद वो जंगलों में रहने लगा, उसके नाखून बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, आकाश की ओस से, बाइबल कहती, वो भीगा करता था। परमेश्वर ने उसे राज सिंहासन से गिराया और जब तक उसने जान नहीं लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसको अधिकारी ठहराता है, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका बेटा है, ये सब कुछ तू जानता था, फिर भी तूने अपने आप को नम्र नहीं किया, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध उठकर उसके भवन के बर्तन मंगवाकर अपने सामने रखवाए और प्रधान रानियों, रखेलियों समेत तूने उसमें से शराब पी, दाख मधु पिया और सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते, उनकी स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसके वश में तेरा चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ये हाथ भी उसी का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और ये शब्द लिखे गए, और जो शब्द लिखे गए वो ये हैं, मने मने तकेल उपरसीन। इसका अर्थ है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांट कर मादियों और फरीसियों को दे दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी का वस्त्र पहनाया गया, उसके गले में सोने की कंठ माला पहनाई गई और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में दानियल तीसरा प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मर गया और दारा मादी, जो 62 वर्ष का था, राजगद्दी पर विराजमान हुआ। सब बोलो आमेन। ये वचन बड़ा पावरफुल है, जो आपने सुना बड़ा सिंपल है और बड़ा पावरफुल है। आज अगर आप क्रिश्चियंस को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, यूथ को देखेंगे, वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किधर जाना है, मेरी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं है, मेरी फैमिली में डिलीवरेंस क्यों नहीं है। बाइबल एक बात बताती है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर आपके लाइफ में परमेश्वर का आत्मा होगा, जिस तरह इसकी गवाही दी गई दानियल की कि इसमें ईश्वर की आत्मा वास करती है, इसके अंदर रहती है, तो बाइबल कहती है अगर परमेश्वर का आत्मा, नया नियम में कहता है कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी होगी, वहां डिलीवरेंस होगी। वो डिलीवरेंस तुम्हारी फैमिली की होगी,
वो तुम्हारी लाइफ की होगी, तुम्हारी सेवकाई की होगी, वो तुम्हारे कैरियर की होगी, तुम्हारे शरीर की होगी। जहां कहीं भी शैतान ने तुम्हें बांधा हुआ है, तुम वहां पर डिलीवरेंस को देखोगे अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में है तो। कितने इस बात को समझ गए हैं?